नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी मिथुन राशि के बारे में, अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में कि अगस्त का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या अच्छी चीजें लेके आ रहा है और क्या बुरी चीजें लेके आ रहा है। देखिये, सबसे पहले जो स्थिति है कर्क राशि के लिए, अगर देखते हैं हम अगस्त का महीना, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन महीना है ये। क्योंकि अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए, अगर ये देखा जाए, देखिए आपकी राशि का स्वामी बन जाता है चंद्रमा, और अगस्त का महीना जो प्रभावी रहता है वो सूर्य ग्रह के साथ प्रभावी रहता है, तो कहीं ना कहीं इनमें आपस में काफी अच्छा तालमेल माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा की मित्रता आपके लिए कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छे योग बनाएगी। सबसे पहले तो देखिए पैसे के लिहाज से बात करते, धन योग का निर्माण एक तरीके से होगा आपके लिए। अगर देखा जाए फाइनेंशियल स्थिति काफी इस महीने के अंदर अच्छी रहने वाली है। अगर आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी तो इस महीने देखिए पूरे योग बन रहे हैं कि आपकी सेविंग्स हो। अगर आपको कहीं ना कहीं ये परिस्थिति बन रही थी कि आपके कहीं पैसे अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो इस महीने के अंदर पूरी संभावनाएं हैं कि आपका जो पैसा अटका हुआ था, जो आपकी चीज़ें अटकी हुई थी, वो आपको उपलब्ध हो जाए, पैसे आपके मिलेंगे। कहीं भी अगर आपके पैसे आपने दिए थे वापस नहीं मिल पा रहे थे, ये भी योग है। दूसरा, कामकाज की परिस्थिति से बहुत ही बेहतरीन टाइम है। अगर आप बड़े समय से नौकरी का परिवर्तन करना चाहते थे, आप सोच रहे थे कि आपको कोई नई नौकरी मिले, कोई नए आपको अवसर प्राप्त हो, तो इस महीने के अंदर देखिए खास तौर पे कर्क राशि वालों, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। आपको काफी सारी चीजों का फायदा होने वाला है। देखिए जो व्यापारी वर्ग है, अब देखिए व्यापारी वर्ग के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी के डिसीजन आपको नहीं लेने। रीजन ये है, देखिए सेकंड हाउस कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है आपका इस महीने के अंदर, तो सप्तम से अष्टम स्थिति वो बन गई भावद्भाव सिद्धांत के अनुसार। तो जब भी ये स्थिति बनती है भावद्भाव सिद्धांत के अनुसार, तो कहीं ना कहीं देखिए ये परिस्थिति सप्तम से अष्टम है, तो व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। मतलब वो ये है कि जल्दबाजी के डिसीजन लेंगे या वो सोचेंगे कुछ नया व्यापार स्टार्ट करें, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत, संभावनाएं हैं ऐसी कि दिक्कत आ सकती है। लेकिन बाकी जो हमने बात की, अगर हम बात करते हैं विशेष तौर पे जो और अन्य चीजों की बात की, हमने नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। इनफैक्ट जो पिछले काफी समय से आप लोग अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें महसूस कर रहे थे, आपको इस महीने में काफी ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। अगस्त का महीना आपके लिए खास तौर पे देखिए ये चीज देगा, आपको अगर स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही थी, तो आपको काफी ज्यादा लाभ महसूस होने वाला है अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो ये तो बात हुई देखिए स्वास्थ्य की। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा में जो बच्चे हैं शिक्षा से संबंधित, हाँ उनके लिए जरूर समस्या है। क्योंकि उसका रीजन भी देखिए ये है कि दूसरा घर कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको पैसा तो दिलाएगा, लेकिन शिक्षा के लिए जो होता है ना, कभी कभी इसको अच्छा नहीं माना जाता। कि मतलब कहने का तात्पर्य ये है, सूर्य चंद्रमा का मेल शिक्षा के लिए अच्छा नहीं होता। ये कहीं ना कहीं वो परिस्थिति बनाता है, थोड़ा मन को विचलित करेगा। और जब देखिए मन विचलित होता है ना, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं बैठ के, तो वो परिस्थिति नहीं बन पाती कि आप पढ़ पाए, बैठ पाए एक जगह टिक के, वो एक जरूर समस्या रहेगी। उसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब है, जिनको पैसे की समस्या है, उन सबके लिए ये समय अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए जहां तक आ जाती है, देखिए थोड़ा सा है मन मुताबिक चीजें नहीं होंगी। हो सकता है आपके जो करीबी हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनसे आपकी शादी हो रही है, हो चुकी है, उनके साथ संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। अब राजा रानी तो ठीक है कि अपनी परिस्थिति में दोनों एक जगह आ गए, लेकिन ये जो संबंध बनता है सूर्य चंद्रमा का, मन में थोड़ी कठोरता ले आता है। तो बस आप जो लोगों को इस चीज के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि मन में आपके कठोरता ना आए। तो ये तो बात हुई देखिए कर्क राशि के जातकों की। अब हम बात करते हैं, देखिए विशेष तौर पे एक चीज और है कि देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपको जानकारी दी जाती है ज्योतिष से संबंधित, ये कहीं ना कहीं सामान्य जानकारी है ग्रहों की। अगर आप चाहते हैं कि आपको विशेष जानकारी प्राप्त हो कि आपका आने वाला समय कैसा है या कैसा नहीं है या कैसी परिस्थितियां आपके साथ रहेंगी, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना है। आपको हमारी ऐप को, एस्ट्रो योगी की ऐप को डाउनलोड करना है, या आप हमारी एस्ट्रो योगी की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। उस पे आप मेरे नाम से, आचार्य सार्थक नाम से प्रोफाइल को सर्च करिए। वहां पे आप सर्च करके आप अपने
समस्याओं से संबंधित निदान मेरे से एसओ योगी के माध्यम से पा सकते हैं। और दूसरा देखिए एक चीज इसके अंदर और है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य और वीडियोस उपलब्ध होती रहे या इस तरीके की विशेष जानकारियां आपको मिलती रहे, तो आपको बस इतना सा करना है, हमारे एसओ योगी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए शेयर बहुत जरूरी है क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार के भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका भी इसमें देखिए भला होगा, उनको भी चीज़ों ज्योतिष से संबंधित चीज़ों का पता चलेगा कि आने वाले जैसे देखिए हमारे चैनल पे ग्रहण का इत्यादि कई जानकारियां दी जाती है, तो आप लोग अवगत रहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है या कैसी परिस्थितियां आप लोगों के लिए बन सकती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और ज्योतिष से संबंधित आपको जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।